हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए रुक जाना नहीं योजना परीक्षा के टाइम टेबल जारी हो गए, जिसकी एग्ज़ाम मई जून 2024 में होती है फ्रेंड्स। और किस तारीख को कौन से विषय का पेपर होगा, कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों की परीक्षा होना है फ्रेंड्स। और जो छात्र कक्षा 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हुए, वो सभी छात्र इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे संबंधित वीडियो हमने बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन पर अपलोड है फ्रेंड्स। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन कौन विद्यार्थी पात्र है और कौन कौन परीक्षा फॉर्म डाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी पहले तारीख 5 मई 2024 थी, किंतु बढ़कर 8 मई 2024 हो गए। इसलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने यदि फॉर्म नहीं डाला है रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत और आप अपना एक साल बचाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना आवेदन डाल करके परीक्षा फॉर्म भर करके आप अपना एक साल बचा सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम कक्षा 10वीं एवं 12वीं के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत। तो इसकी एग्ज़ाम मई जून 2024 में होना है। इसका जो टाइम टेबल है बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं का परीक्षा का टाइम टेबल है और आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल हाई स्कूल कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र परीक्षा परंपरागत मई जून 2024 समय सारणी, और इसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। और आप बात करें तो 21 मई 2024 से परीक्षा प्रारंभ हो रही है। पहला पेपर विज्ञान विषय का है, 22/5/2024 यानी 22 मई 2024 को हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा, 24 मई 2024 के दिन अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा और 25 मई 2024 को गणित विषय का प्रश्न पत्र है, 27/5/2024 को अर्थशास्त्र, 28/5/2024 को सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें 29 मई 2024 बुधवार के दिन व्यावसायिक अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, 30/5/2024 को गृह विज्ञान का, 31/5/2024 को मराठी का और 1/6/2024 को संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र होगा और अंतिम में 6/6/2024 को उर्दू विषय का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है उसका टाइम टेबल है रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो भी नीचे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश है। तो नंबर 1 में दिया गया है इसके अंदर, इस परीक्षा में 1 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2024 तक सामान्य योजना के तहत संपूर्ण परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले नए विद्यार्थी एवं 1 अक्टूबर 2023 से 31 मई 2024 तक आवेदन करने वाले क्रेडिट एवं शेष अन्य योजना के विद्यार्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। यानी फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं इसमें सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आप नंबर 2 देखेंगे तो ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा पूर्व परीक्षा में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण रहे हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी। तिथि एवं समय ज्ञात करने के लिए संबंधित केंद्र के केंद्राध्यक्ष परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी सतत संपर्क बनाए रखें। नंबर 3, परीक्षा केंद्र पर समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा कक्ष में प्रातः 1:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा और परीक्षा कक्ष में प्रातः 1:45 के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे। और नंबर 5 में देखेंगे तो दिया गया है, आवश्यक होने पर परीक्षा तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल की वेबसाइट www.mpsos.nic.in पर एवं मोबाइल ऐप MPSO पर परीक्षा केंद्र तथा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। यानी फ्रेंड्स किसी प्रकार से भी टाइम टेबल में परिवर्तन होता है या परीक्षा समय सारिणी में परिवर्तन होता है तो इसके संबंध में दिशा निर्देश जो MPSOS.NIC.IN वेबसाइट है उस पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और नंबर 6, वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करें। विद्यार्थी को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र दिखाने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। नंबर 7, द्वितीय से नवम अवसर के परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक पूर्ववत रहेंगे। यानी जिनको दूसरा अवसर है या नवम अवसर तक
परीक्षा दे रहे हैं, यानी नौवा अवसर है, नौवा मौका है, उनके अनुक्रमांक पूर्ववर्ती रहेंगे। नंबर 8, प्रवेश पत्र में यदि त्रुटि है तो त्रुटि पर लाल गोला बनाए हुए सही जानकारी अंकित कर केंद्राध्यक्ष के माध्यम से mpsos2022@gmail.com पर ईमेल करें। त्रुटि सुधार हेतु केंद्राध्यक्ष आवश्यक मूल दस्तावेज यथा पूर्व वर्ष की अंक सूची आदि से जांच करें। यानी किसी प्रकार से संशोधन करवाना है, त्रुटि हो गई है, तो उसका संशोधन केंद्राध्यक्ष के माध्यम से हो सकेगा। और अंतिम में हम नौवां बिंदु है, आपके द्वारा त्रुटि में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि एवं फोटो सुधार नहीं करवाए जाने पर अंक सूची में भी त्रुटि युक्त होगी, जिसमें सुधार बाद में संभव नहीं होगा, अतः तत्काल त्रुटि सुधार करवाएं। यानी फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो केंद्राध्यक्ष के माध्यम से त्रुटि सुधार है तो त्रुटि सुधार करवाएं, अन्यथा बाद में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड का यह कक्षा 10वीं का टाइम टेबल है और इसके महत्वपूर्ण निर्देश इसके नीचे दिए गए। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम कक्षा 12वीं का जो टाइम टेबल है रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत, उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह कक्षा 12वीं का रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत टाइम टेबल है। और आप देखेंगे तो 20 मई 2024 से कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। कक्षा 12वीं की समय सारिणी और इसका समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 11 बजे का समय है, यानी दोनों का समय अलग अलग है। फ्रेंड्स, दोपहर में कक्षा 10वीं का समय है और प्रातः में कक्षा 12वीं का समय है। पहला पेपर 20 मई 2024 से प्रारंभ हो रहा है, हिंदी विषय का पेपर है। दूसरा पेपर 21 मई 2024 को गणित विषय का पेपर है। अगला पेपर है 22 मई 2024 के दिन अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे तो 24/5/2024 को बुधवार के दिन भौतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान का पेपर है। जिनका भौतिक विज्ञान रहेगा उनका भौतिक विज्ञान का पेपर होगा और जिन बच्चों का राजनीतिक विज्ञान है उनका राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में 25/5/2024 की बात करें तो उद्यमिता रोजगार कौशल केवल ITI विद्यार्थियों के लिए होगा, यानी जो रोजगार उद्यमिता रोजगार कौशल का पेपर है वो केवल ITI वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। 27/5/2024 सोमवार की बात करें तो रसायन विज्ञान का पेपर होगा। 28/5/2024 मंगलवार के दिन अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र होगा। 29/5/2024 को जीव विज्ञान और लेखांकन का प्रश्न पत्र होगा, यानी जीव विज्ञान वालों का जीव विज्ञान का और लेखांकन जिनका विषय रहेगा उनका लेखांकन का पेपर होगा। 30/5/2024 गुरुवार के दिन व्यावसायिक अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। 31/5/2024 शुक्रवार के दिन भूगोल विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में 1/6/2024 की हम बात करें तो 1/6/2024 के दिन इतिहास का प्रश्न पत्र होगा और 6/6/2024 को गृह विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। और अंतिम में 7/6/2024 शुक्रवार के दिन कटिंग, टेलरिंग एंड ड्रेस मटेरियल और आशुलिपि, कंप्यूटर हार्डवेयर, असेंबली एंड मेंटेनेंस और खाद्य संसाधन का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, 7/6/2024 के दिन जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं वो जिन विद्यार्थियों का जिस विषय का प्रश्न पत्र होगा उसी विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। और जिस प्रकार से कक्षा 10वीं में महत्वपूर्ण निर्देश नीचे दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दी गई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुधार संबंधी समस्त निर्देश जो पूर्ववत थे वो दिए गए। बाकी परीक्षा समय का बात करें तो आप देख सकते हैं प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा और परीक्षा कक्षों में 7:45 के पश्चात किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और नंबर 4 में परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिकाएँ, 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे और किसी प्रकार से भी तिथि या समय में परिवर्तन किया जाएगा तो उसकी सूचना राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। और बाकी सभी जो निर्देश हैं फ्रेंड्स कक्षा 10वीं में थे, ठीक उसी प्रकार के प्रवेश पत्र एवं त्रुटि सुधार के संबंध में और आवेदन करने के संबंध में। फ्रेंड्स, इस योजना से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी भी आपको चाहिए तो रुक जाना नहीं योजना से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और अभी तक आपने फ्रेंड्स एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा तो आज अंतिम तारीख है, अपना फॉर्म फिल करें और इस योजना में आवेदन करके एग्ज़ाम देके अपना 1 साल बचाएं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के स्टडी, गवर्नमेंट जॉब तथा
FLN संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।